मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की जो कविता है कह कवि राय, उस कविता का स्वाध्याय देखने वाले। चलो तो मित्रों देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें पहला है संजाल, तो उसमें पूछा गया है सयानों के काम, तो उसका उत्तर है अधिक से अधिक मेहनत करना, दूसरा है राम नाम का सुमिरन करना, तीसरा है परोपकार में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहना, और चौथा है सदैव सही मार्ग पर चलना। और उसमें दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। और उसमें क है अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। उसका उत्तर है अपना शीश परोपकार के लिए आगे करने पर ईश्वर व सम्मान की प्राप्ति होगी। उसमें ख है बड़ों के द्वारा दी गई सीख, तो उसका उत्तर है हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो उसका उत्तर है हाथ मलना और उसका अर्थ है पछताना। उसका वाक्य है, जो लोग माता पिता का अपमान करते रहते हैं वे लोग उनके न रहने पर हाथ मलते हैं। हमारा प्रश्न चौथा है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। खुशी और उसका उत्तर है खुशी और गम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। खुशी सुख शांति सहजता तथा सुकून का परिचायक है, और गम दुख अशांति असहजता तथा बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से और बढ़ती है। खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं, तो वे भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती है। जीवन संघर्षों से बड़ा पड़ा है, इसलिए हमें अपने जीवन की छोटी सी छोटी खुशी भी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने से खुशियाँ उत्सव बन जाती है। अंततः यह कहना अतिशयोक्ति हो नहीं होगा कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो हम पाठ के आंगन में पहुँच गई है, तो उसने प्रश्न पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, और उसमें क है कौआ और कोकिल में समानता तथा अंतर। तो पहला है कौआ और दूसरा है कोकिल, उनमें समानता यह है कि दोनों का रंग काला है, और उनमें अंतर यह है कि कौवे का स्वर कर्कश है और कोकिल का स्वर मधुर है। कवि के दृष्टि से कौवा अपवित्र है, कोकिल सुहावनी है। और उसमें ख है कविता यानी कि कह कवि राय में कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, तो उसका उत्तर है मित्र स्वार्थी होते हैं, मित्र पैसा होने पर साथ रहते हैं, और तीसरा है मित्र पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और चौथा है निस्वार्थ प्रेम करने वाले मित्र बहुत ही कम होते हैं। उसमें ग है आकृति, तो उसमें पूछा गया है कि बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या है, तो उसका उत्तर है हमें पश्चाताप होता है, दूसरा है हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, तीसरा है हम लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं, और चौथा है हमारे मन में शांति नहीं रहती। उसमें प्रश्न दूसरा है कविता यानी कह कवि राय में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो उसका उत्तर है तत्सम शब्द है नर कोकिला शब्द एक रंग पावन गिरिधर कवि राय संसार व्यवहार संग मुख जगत प्रीति मित्र वचन सुख ऋण रीति विचार चित्त राग सज दुर्जन सुमिरन। तद्भव शब्द है गाहक सब काग ठाकुर मन देखा पैसा जब तब यार पास कोई झूठा मीठा उधार बहुत रूठा जग पानी चैन दुख बीती घर चाल सुधी हाथ काम काज राम दाम इत्यादि। देशज शब्द है सहज डौले ऊंच आपनो अपनो गुण बोलई नीच होत बनी लहे देखा मारन हसाय आवई सुन सुनई बिरला धावई मनही चित्त कोई कही जानी भाव जोई सवई जाय रहे कछु करू दोगु लेत तेरी टरत लेई भय उपजय दिना टारे समझू सुने लैके पाछे जीय नाव लगी दियो विचारी माही खटकत गांठ अरु पछताय ताही उलिचिए ताको बतावई बिगारई बिजारी कीजो शीश बड़ेन याही बानी रखी। और उसके वाक्य है पहला है रिश्तों की गांठ
जोड़ने से हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। रोहन ने घर की सभी दीवारें सुनहरे रंग से रंगवा दी। तीसरा है, पंडित राम सिंह की भाषा में संस्कृत शब्द की मात्रा अधिक होती है। चौथा है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पांचवा है, सागर दुकानदार को वस्तु का उचित दाम ही देता है। प्रश्न तीसरा है, कविता में कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चहे उसमें चहे ऋण लेते समय, उसका उत्तर है, कवि के अनुसार मनुष्य ऋण लेते समय मीठे वचन बोलता है और मन ही मन आनंदित रहता है। उसमें छह है, ऋण लौटाते समय, तो उसका उत्तर है, कवि के अनुसार मनुष्य ऋण लेने के बाद उसे लौटाना नहीं चाहता। कर्ज ले लेने के बाद मनुष्य जानबूझकर कर्ज देने वाले से रूठ जाता है, जिससे उसे कर्ज न चुकाना पड़े। कई दिन बीत जाने पर तो कर्जदार कर्ज देने वाले के हिसाब किताब को ही झूठा ठहरा देता है। कुल मिलाकर ऋण लौटाते समय मनुष्य कई तरह के बहाने करता है। और पाठ से आगे हमें प्रश्न दिया गया है कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो उसका उत्तर है, कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता यह है कि हमें अपने जीवन में असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। जो हो गया है उसकी चिंता करने के बदले हमें चिंतन करना चाहिए, अपनी असफलताओं के कारण का पता लगाना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और एक के बाद एक कई चुनौतियां हमारे सामने आती है। अंततः वर्तमान को भुलाकर सदैव भविष्य के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, रचना बोध, तो उसका उत्तर है, यह कुंडलियों के माध्यम से विविध नैतिक व सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो मित्रों, हमने पूरा स्वाध्याय देख लिया है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।